Hey, what's up guys? I'm Praveen Singhania and welcome back to my YouTube channel. So, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा स्टूडियो रिनोवेट होने वाला है. सो वो काम आज से चालू होगा. कल हमने सब डिसाइड किया कलर कैसे आएगा, आधा सामान लेके भी आ गए और पार्टीशन वगैरह कैसे लगेगा. सब वर्कर्स को बुलाए थे. मैं भी स्टूडियो में बज रहे हैं सुबह के 8:30. मैं भी स्टूडियो में आया हूँ यहाँ पे उनके लिए पानी वगैरह रखने. फिर घर पे जाऊँगा फटाफट ब्रेकफास्ट करके वापस आऊँगा. फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडियो कैसा दिख रहा है और ये बाद में कैसे दिखने वाला है. अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसको प्रॉपर स्टूडियो बनाऊँ ताकि अच्छे से शूट्स वगैरह कर पाऊँ क्लोथ्स का, तुम्हारा काम भी बनता है. जाके फॉलो करो. और इसे मैंने 2 पोस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं कि वाइफ्स अटायर क्या है, यहाँ से आप कैसे बाय कर सकते हो. तो और मैं यहाँ पे टेढ़ा देख रहा हूँ, तो जाके फॉलो करो, जाके पढ़ो, आपको समझेगा. अच्छा आपको स्टूडियो दिखाता हूँ कैसे है, तो जिसके बाद ये कैसे होने वाला है वो भी दिखाता हूँ. सो जहाँ पे ब्लैक वॉल था ये वो जगह है, साइड में खिड़की है ये, और इसकी सीलिंग है वाइट कलर की. मिरर है 14 फीट का, इसको पूरा पेपर से भी कवर करना है ताकि ऐसे पेंट्स वगैरह नहीं जाए. एंड जो बाहर का पार्ट है इंक्वायरी काउंटर्स के आगे, वहाँ पे पार्टीशन लगने वाला है. और मैं अभी उनके लिए पानी वगैरह लेके आया हूँ जो वर्कर्स आए, एंड पेंट उनका लेके आए थे. सो पेंट कैसा होने वाला है वो सरप्राइज़ है आपके लिए. और हाँ गाइस, एक चीज़ याद रखो कि जो भी वर्कर्स हमारे इधर काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, पेंट वाले हो, लकड़ी वाले कोई भी हो, वो सब भी किसी घर के पापा या किसी के बेटे हैं. तो उनको भी सर रिस्पेक्ट करो, उनके भी खाने पीने का ध्यान रखा करो जो हमारे पास काम के लिए आए करें. बिकॉज वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा. सो उसके रिस्पेक्ट करो. ऑब्वियसली वो पैसे लेने के लिए काम करते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं, हमें पैसे के लिए काम करते हैं, बट उनकी थोड़ा केयर किया करो. जो पूरा दिन तुम्हारे पास काम करने के लिए आते हैं तो उनके खाने पीने का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए. तो मैं फटाफट जाता हूँ फिर आता हूँ. सो स्टूडियो देखना है पहले कमेंट में जाके बताओ. यस यस, सब लोग यस लिखो. स्टूडियो देखना है. सो 1 2 3 एंड हियर वी गो. तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. अभी कमेंट करके बताओ कैसा लगा. और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे भी, बिकॉज ये स्टूडियो तुम्हारा भी है, मेरा भी है, वी आर फैमिली. एंड मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया, आई नो. मैंने जस्ट कुछ शॉर्ट्स लोमो निकाले एंड इसके अंदर मैंने आपको स्टूडियो दिखा दिया.
बट गाइज ये काम ऑलमोस्ट 2-2.5 दिन चला था। ऐसे मैं कंटिन्यू मॉर्निंग से आके रात को 12-12, 12:30, 1 बजे सब स्टूडियो पे जा रहा था काम वगैरह करने में। सो वो सब चीज़ से कभी प्रॉपर शूट नहीं करा, बिकॉज अगर मैं प्रॉपर शूट करने जाता तो शायद से मेरा काम और लेट हो जाता और कोई साथ में था नहीं शूट करने वाला। सो मुझे जितना बन सका मैंने उतना दिखाया, पर जैसा मैं सोचा था मैंने हूबहू वैसे स्टूडियो बनवाया, वैसे रिनोवेट करवाया। और कुछ चीज़ें और चेंज होने वाली, लाइक जहाँ पे कुछ न्यू लाइट्स लगेंगी ऊपर, बाहर जो मैंने पार्टीशन दिखाया आई डोंट नो बाहर से देख नहीं पाई होगी अच्छे से बिकॉज अभी अंधेरा था, रात के टाइम शूट कर रहा था मैं। सो वहाँ पे भी एक स्टीकर रहेगा पूरे डांस क्लास का प्रवीण डांस अकेडमी के नाम से, एंड जितने भी सेलेब्स के साथ मैं मिला हूँ वो सब पिक्स वहाँ पे लगेगी। एंड जहाँ पे मेरा इंक्वायरी काउंटर है वहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मुझे वो बहुत पसंद आती है। और गाइस जब ये ब्लॉग जाएगा उसके 3 से 4 दिन के अंदर बायोसेट एयर पे क्लोज ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज अभी स्टूडियो रेनोवेट हो चुका है पूरा, तो हम अच्छे शूट्स वगैरह कर सकते हैं एंड बहुत सारी बातें करनी है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं कुछ मेन बातें वीडियो में बोलता हूँ, उसके बाद हम मिलते ही रहेंगे। अभी तो कंटिन्यू वीडियोज आएंगे बिकॉज स्टूडियो रेडी हो चुका है। और मैं तुमको एक सजेस्ट करूँगा, अपने गोल्स के तरफ बहुत सीरियस रहो, उसके लिए ना थोड़ा सा रोज वर्क करना चालू करो और अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने गोल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है वो करो। बिकॉज जितना मैंने रेनोवेट में खर्च किया, जितने मेरे सेविंग्स थे, जितने सब कुछ थे, उतने में चाहता तो मैं एक अच्छा खासा कैमरा या फिर मैं गोप्रो ले लेता। जिसको नहीं पता है गोप्रो एक कैमरा है जो ब्लॉगिंग के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं, बिकॉज वो छोटू सा रहता है, सो कहीं भी कैरी कर सकते हो, या फिर मैं कुछ मंथ और सेव करके अपने एक्टिवा ले लेता। बट गाइस मैंने स्टूडियो के काम को प्रायोरिटी दी बिकॉज यहाँ से मैं शूट्स वगैरह कर पाऊँगा, यहाँ से मैं क्लोज का शूट कर पाऊँगा। सो अगर मैंने इतना वर्क किया है तो तुम लोग भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, जाके फॉलो कर लो। और जिस पे ड्रॉप्स आएंगे तुम्हें जो भी चीज़ पसंद रहेगा प्लीज़ ऑर्डर करना है। सो अभी मैं फटाफट जाता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाके पहले खाता हूँ कुछ और ब्लॉग एडिट करूँगा उसके बाद। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको स्टूडियो कैसा लग रहा है, या फिर यहाँ पे मुझे और क्या करना चाहिए, कुछ सजेशंस वगैरह तो भी दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, पीस आउट, कीप स्माइलिंग।